आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकवादियों के फाइनेंसिंग और धन शोधन को लेकर एफएटीएफ की कार्रवाई का सामना कर रहे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एफएटीएफ की निगरानी में चल रहे पाकिस्तान पर कुछ नई शर्तें लगाई गई हैं, जिसका पालन उसे करना होगा। पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ की नई शर्तों को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आतंक फाइनेंसिंग और धन शोधन पर लगाम लगाने के लिए एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर कई नई शर्तें लगाई हैं, जिनका पालन उसे करना होगा। एफएटीएफ की नई शर्तों में पाकिस्तान से कहा गया है कि विदेश यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों का डेटा बैंक बनाया जाए, जिसमें इसे खास रूप से दर्ज किया जाए कि विदेश यात्रा करने वाला अपने साथ कितनी करेंसी और कौन सी कीमती सामान लेकर गया था। एफएटीएफ ने साथ ही कहा है कि ऐसे व्यक्ति के टिकट और विदेश में इसके द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी देना होगा। ये भी बताना होगा कि विदेश में जो धन खर्च किया गया वो कहां से अर्जित किया गया था। संबंधित व्यक्ति के पारिवारिक कारोबार का ब्यौरा भी देना होगा। इन शर्तों पर अमल के लिए एंटी स्मगलिंग एक्ट में बदलाव अगले हफ्ते होने की संभावना है। गौरतलब है कि पाकिस्तान अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब नहीं हो सका है। एफएटीएफ के बीते महीने पेरिस में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया गया। पाकिस्तान को सिर्फ 4 महीने की मोहलत देते हुए चेतावनी दी गई कि अगर जून 2020 तक उसने आतंक वित्त पोषण और धन शोधन रोकने के लिए एफएटीएफ द्वारा दी गई कार्य योजना पर पूरी तरह से अमल नहीं किया तो फिर उसे ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, जिसके नतीजे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होंगे। एफएटीएफ की हालिया बैठक में तुर्की को छोड़कर सभी 39 सदस्यों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए जून तक बचे 13 एक्शन प्लान पर काम करने को कहा है। इसमें आतंकी संगठनों के प्रमुखों की गिरफ्तारी भी शामिल है। पेरिस में राजनयिक और एफएटीएफ के सदस्यों ने इस बात पर ध्यान देने को कहा था कि किस तरह पाकिस्तान एफएटीएफ की तकनीकी प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बयान से साबित हो गई है। दरअसल एफएटीएफ के एक दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि तुर्की ब्लैकलिस्ट से निकलने में पाकिस्तान की मदद करेगा। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंक से लड़ने को लेकर तारीफ की थी। एफएटीएफ की अगली बैठक अब जून में होगी और पाकिस्तान के पास बस तब तक का ही समय है। एफएटीएफ ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस बार पाकिस्तान इन शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।